पंजाब पुलिस के एएसआई और हेड कांस्टेबल का स्मैक पीते हुए वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद उन दोनों का ब्लड टेस्ट करने के बाद सस्पेंड कर दिया। मिली जानकारी अनुसार ब्यासपुर जीटी रोड के नजदीक धर्मस्थान गुरुद्वारे के पास दो पुलिस वाले एएसआई तरलोचन सिंह और हेड कांस्टेबल गुरविंदर सिंह स्मैक पी रहे थे। तभी एक जथेदार ने उनको देखा और उनको ये घटिया काम गुरुद्वारे के पास क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो वह बहस करना शुरू हो गए। फिर पुलिस वाला अपनी गाड़ी को भगा कर वहाँ से फरार हो गए। नशा की बंद करना दसो पेंट जे तुम सचे जो पेंट चुको चुको मेरी पेंट क्यों बंद करा फोन बकवास ना कर तू स्मैक पींदे थे गुरु घर दे लागे चुक बे जे सचा ने पट चुक सचा ने तुहाडे मुलाजम वेलो शर्म होनी चाहिए इन्हां नूं गुरु घर दे लागे स्मैक पींदे इन्हां ने स्मैक भजाई का गड्डी ओ गड्डी दे कर। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और एसएसपी के दिशा निर्देश अनुसार झंडियाला गुरु के पुलिस ने दोनों पुलिस वालों को हिरासत में लेकर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में मेडिकल करवाकर इन दोनों को सस्पेंड कर दिया है। जी एसएचओ झंडियाला को इन्फॉर्मेशन मिली थी जिदे विच एक पता लगा सी कि वीडियो वायरल हुई है जिदे विच कुछ मुलाजम जड़े अपने एक अननोन बंदे वल्लों एलीगेशन लगाई जा रही है उहदे ते कि तुसीं नशा दे सेवन कर रहे हो। इस वीडियो के वायरल होने बाद सीनियर अफसरान वालों हुक्म मिलने तो बाद उन्होंने मुलाजमान को थाने बुलाया गया, उन्होंने पूछगिछ की गई, फिर उन्होंने डोप टैसट कराए गए जिन्हों में उन्होंने मॉरफीन उन्होंने डोप टैसट में आया इन्हीं कार्रवाई होने तो बाद असी सीनियर अफसरान की नॉलेज में लिया के उन्होंने खिलाफ जी बनती कार्रवाई सी उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और बाकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट खरड़ भेजती है, खरड़ की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। झंडियाला गुरु से कैमरामैन सुखजिंदर के साथ कवलजीत सिंह, जीवे पंजाब टीवी।